हरियाणा को इस बार खेलो इंडिया की मेज़बानी का मौका मिला है और इसके साथ ही हरियाणा खेलों में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इस पर बात करेंगे और इसके अलावा हरियाणा में राजनीति का जो मैदान है उसमें किस तरीके की हलचल हो रही है उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह है सर सबसे पहले यही जानना चाहूँगा आप को जो है वो आप खेल मंत्री हैं खुद आप खिलाड़ी रहे हैं ऐसे में खेलो इंडिया की मेज़बानी हरियाणा को मिलने पर आप कैसे देखते हैं Uh, देखिए बहुत बड़ा ये एक uh, मेजबानी हरियाणा को मिलना बहुत बड़ा एक स्टेप है हरियाणा की स्पोर्ट्स में अपग्रेड होना क्योंकि जब से हरियाणा बना है तब से आज तक कोई भी ऐसा टूर्नामेंट या ऐसा गेम्स या ऐसी बड़ी इवेंट बिग मेजर इवेंट जिसको मेगा इवेंट कह सकते हैं वो नहीं होस्ट हुआ है तो हरियाणा का खेलो इंडिया को होस्ट करना माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंद्र स्पोर्ट्स मिनिस्टर माननीय किरण रिजिजू जी इनका मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें ये होस्ट करने का मौका मिला है और हरियाणा के जो युवा हैं जो नई पनीरी है जो स्पोर्ट्स में आगे आ रही है उनके लिए बहुत बड़ा ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक सौभाग्य है कि वो अपनी आँखों से और अपने यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी मेहनत और अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकते हैं संदीप सिंह जी ये कब तक जो वो खेलो इंडिया का जो है वो गेम होना है और इसको लेकर तैयारी क्या है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है मतलब किस तरीके से आप इसका आयोजन करने वाले हैं तकरीबन गेम गेमे जो हैं वो इस टूर्नामेंट इस गेम्स में होस्ट होंगी और अंडर 17 और अंडर 21 लड़के और लड़कियां ये यहाँ पर खेलेंगे और इसमें पंचकुला और उसके आसपास के एरिया में हम इसको होस्ट किया जाएगा यहाँ पर रहने के लिए अगर बात करें तो ट्राई सिटी है तो होटल्स और जितने भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं और जितने भी हमारे फाइव स्टार्स फोर स्टार्स होटल्स हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेयर्स ऑफिशियल्स टूर्नामेंट डायरेक्टर्स ये सब इसमें और खेलो इंडिया को होस्ट करने वाले तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहने का इस, आ, इंतजाम भी होगा और साथ ही में जो हमारे इंफ्रा जो हैं स्पोर्ट्स को लेकर तो उसके ऊपर लगातार तैयारियाँ शुरू हैं और हम चाहे वो प्रैक्टिस फील्ड हो चाहे वो मैच फील्ड हो सब ऊपर काम कर रहे हैं मंत्री जी आपने बतौर खिलाड़ी जो है वो बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल की और जब आप खिलाड़ी थे तब आपको उम्मीद थी कि सरकार जो है वो खिलाड़ियों के लिए इस तरह की नियम नीति बनाए अब आप खुद राजनीति के मैदान में उतरे और हरियाणा सरकार में आप खेल मंत्री हैं क्या सोचते हैं उस वक्त जो महसूस करते थे वैसा अब आपका क्या करने का इरादा है खेल विभाग में देखिए मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में था गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ और एक बीइंग ए खिलाड़ी मुझे लगता है कि अगर आपका जो गुण है और गुण बच्चों तक तो पहुंचने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप अपने डिपार्टमेंट अगर आप देखें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अगर नए जो मेडलिस्ट जो मेडल लेकर आएंगे और उनको वहाँ पर रखेंगे और उनको वहाँ पर उपलब्धियाँ कराएंगे जिससे कि वो आने वाले बच्चों को अपना टैलेंट बता सकें आप उनको गवर्नमेंट में रखकर ही बच्चों को तैयार कर सकते हैं हमारे पास कोचिज़ भी हैं लेकिन हमारे पास ऐसे खिलाड़ी भी आएँ जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हों और उनको हम उनकी सेवाएँ जो हैं वो खिलाड़ियों तक पहुँचा सकें हरियाणा सरकार ने गांव में जो है वो व्यायामशालाएँ बनाई हुई है और हरियाणा के बहुत ज्यादा गांव में जो है साठ फीसदी के करीब गांव कम से कम जो है उनमें व्यायामशालाएं बनी हुई है व्यायामशालाएँ जो है वो खेल स्टेडियम के तरह इस्तेमाल हो सके वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें इस तरीके की कोई आप आप प्लानिंग करेंगे Uh, देखिए हमारे पास व्यायामशाला जो है वो डेफिनेटली वहाँ पर आदमी जाकर अपनी फिटनेस कर सकता है ट्रेनिंग कर सकता है लेकिन अगर आपको अपनी स्पेसिफ़िक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करनी हो तो हमारे पास काफ़ी ऐसे जगह है स्टेडियम्स हैं हमारे पास ऐसे मैदान हैं जिसमें वो तैयारी करें लेकिन व्यायामशाला में अगर ऐसा कोई हमें दिखेगा कि यहाँ पर अगर हमें कोई कबड्डी का या रेसलिंग का या खो खो का या बैडमिंटन का या वॉलीबॉल का ऐसा फील्ड मैदान बनाना है जो कि आसपास कोई ऐसा फील्ड नहीं है और वहाँ के गाँव के बच्चे जो हैं तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम बनाएंगे और इसके साथ साथ मैं विधानसभा में जब मेरा पहला दिन था और वहाँ पर क्वेश्चन लगा अ मिनिस्टर मैंने आंसर भी दिया था कि हरियाणा में मुझे स्टेडियम नहीं बनाने हैं मुझे खेल के मैदान बनाने हैं और खेल के मैदान के साथ साथ खिलाड़ियों को ऊपर लेकर आना है जो भी अगर आज खेलो इंडिया हरियाणा को मिली है अगर आज यहाँ पर खिलाड़ियों को ओलंपिक से पहले पाँच लाख रुपए खेलने के दे दिए जा रहे हैं और आने वाले समय में और एक के बाद एक हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को और क्या चीज़ें हैं जो मिलनी चाहिए अगर दिन का भत्ते की बात करें वो भी हमने डबल किया है तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि खिलाड़ियों का जो योगदान है हरियाणा को ऊपर लेके आने में बहुत बड़ा है और एक ऐसा खिलाड़ी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ देश में नहीं देश में भी हरियाणा का और हरियाणवी का नाम उपर करता है मंत्री जी आपके खेल विभाग में आप एक महिला जो है वो खिलाड़ी उप निदेशक के पद पर कार्य कर रही थी बबीता फोगाट अब उन्होंने इस्तीफा दिया है निजी कारणों के चलते ये इस्तीफा उन्होंने दिया है क्या जानकारी है सर Uh, देखिए उसमें डेफिनेटली उनका कोई ना कोई निजी इस्तीफा uh, दिया है और कामना करता हूँ बढ़े और इसमें मैं यही कहूंगा कि उन्होंने जो भी स्टेप लिया हो सोच समझ के लिया होगा अब uh, मंत्री जी हम uh, खेल मैदान से राजनीति के मैदान की बात करते हैं विधानसभा से आप संबंध रखते हैं वहां से आप विधायक हैं वहाँ पर कल जो है वो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे थे ट्रैक्टर यात्रा करते हुए उन्होंने वहाँ पर कई हमले किए हरियाणा की सरकार पर और खास तौर तो पर, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि किसानों पर काले कानून थोपे गए हैं ऐसा कुछ नहीं है देखिए सबसे पहले तो राहुल गांधी जब हरियाणा में आए तो मैं एक बहुत बड़ी बात सब लोगों ने भी नोटिस की और मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि ट्रैक्टर जब हरियाणा में एंटर करता है तो लगातार मिनट के बाद मिनट के बाद ड्राइवर चेंज हो रहा है अगर ड्राइवर एक नहीं उनके पास ट्रैक्टर चलाने को तो वो राजा चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का वो कैसे चुनेंगे दूसरी बात रही कि उन्होंने कोई भी किसानों के हक में कोई भी ऐसा वादा या कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कि वो किसानों को बता सकें कि ये जो यात्रा है जो हमने ट्रैक्टर की यात्रा शुरू की है वो किसानों के लिए की है वो तो डेफिनेटली दिख रहा है कि वो वोटें इकट्ठे करने में और राजनीतिक करने में लगे हुए हैं उन्होंने एक बात भी नहीं कही उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमारे आ, मतलब किसानों के लिए या किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं की उनका अगर भाषण सुने तो उसमें सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे थे अगर बात करें कि उन्होंने चाहे वो किसानों के लिए या जो भी बात उन्होंने रखी है उसमें तीन जो अध्यक्ष आए हैं उसमें 2009 में 2014 में मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी यही डाले हुए थे अगर कांग्रेस ये डाल रही है तो आज विरोध क्यों कर रही है सिर्फ और सिर्फ वही है की उनको कंधा मिल गया है किसानों का और उसके ऊपर कंधे के बंदूक चला रहे हैं हैं क्या समझते संदीप सिंह जी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जो है वो क्या आपके आ, आरोप के मुताबिक कांग्रेस या राहुल गांधी किसानों को बरगला रहे हैं झूठ बोल रहे हैं देखिए किसानों को समझ आ रही है धीरे धीरे उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक स्पष्ट तरीके से कहा है कि उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा एम एस पी पे ख़रीदा जाएगा और खरीदा जा भी रहा है सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपने जो कांग्रेसी लोग हैं ये अपने किसानों को अपने जो उनके खुद के किसान हैं कांग्रेसी किसान हैं उनको जो है वो कार्यकर्ता जो है उनको थोड़ा बढ़ा रहे ले, हैं लेकिन वो भी अब समझ गए हैं कि हम ज़्यादा देर इनके साथ नहीं रहेंगे और अगर हम पंजाब की बात करें ये पंजाब से टोला लेकर आए थे ट्रैक्टर लेकर आए थे पंजाब में भी किसानों ने एक बहुत ओपनली बोल दिया है कि हमें कोई राजनीतिक नहीं चाहिए अगर हमें लड़ना है तो हम अपने लिए हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह हमारे साथ जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसमें जो है वो ट्रैक्टर का जो चालक है वो बार बार बदला गया यानी संदीप सिंह ने तंज कांग्रेस पर कसा ये कहा कि राहुल गांधी जब ट्रैक्टर का ड्राइवर तय नहीं कर सकते तो फिर प्रदेश या फिर देश का राजा कैसे चुनेंगे इसके अलावा हरियाणा में जो खेल विभाग के मंत्री के नाते जो काम हो रहा है उसकी भी जानकारी संदीप सिंह ने दी है और ये कहा कि खेलो इंडिया की मेजबानी हरियाणा को मिलना निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह जनता टीवी